नोएडा से जुड़ी एक बड़ी खबर, जहां जमीन फर्जीवाड़े का कैट ने खुलासा किया है। यमुना विकास प्राधिकरण ने बिजली सब स्टेशन बनाने के लिए जरूरत से ज्यादा जमीन खरीद की, जिसकी चर्चा यूपी विधानसभा में भी गूंजी है। बताया जा रहा है कि घोटाला सपा सरकार के दौरान यमुना अथॉरिटी में किया गया, जिसमें 150 करोड़ से ज्यादा के इस घोटाले में कई अधिकारी और नेताओं की मिली भगत सामने आ सकती है। इस घोटाले की जांच के लिए विधानसभा की समिति के सामने कार्रवाई के लिए सरकार की ओर से भेजा जाएगा। ग्रेटर नोएडा यमुना विकास प्राधिकरण क्षेत्र के जागीरपुर गांव में बिजली सब स्टेशन बनाए जाने थे, जिसके लिए प्राधिकरण ने किसानों से जमीन ली। बिजली सब स्टेशन का निर्माण 13 हेक्टेयर में होना था, जबकि प्राधिकरण ने किसानों से 14 हेक्टेयर जमीन ली और उसका मुआवजा भी किसानों को दे दिया गया। प्राधिकरण ने 1 हेक्टेयर जमीन जरूरत से ज्यादा जमीन ली और उसका रजिस्ट्री आज तक नहीं कराई है। इस 1 हेक्टेयर जमीन की गूंज विधानसभा में सुनाई दी। बताया जा रहा है कि ये घोटाला समाजवादी पार्टी की सरकार के समय हुआ है। बता दें कि इसी तर्ज पर प्राधिकरण के मास्टर प्लान से बाहर बेलाना गांव में भी खेल खेला गया है, जिसमें कई 100 करोड़ रुपए की जमीन पहले ही नेताओं और अफसरों ने भोले भोले किसानों से बेहद कम कीमत पर खरीद ली और बाद में जमीन को प्राधिकरण के अफसरों से साठ गांठ कर प्राधिकरण को बैनामा के जरिए बेच डाली। इस तरह बेलाना गांव में भी प्राधिकरण को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। कैद के खुलासे से मामले में कई अफसर और नेताओं की गर्दन फंसती नजर आ रही है।